ऊपर जो बीम पड़ते हैं, मतलब जिसके ऊपर से अब इसके ऊपर जो ढलाई होती है, एक तरह से बोल सकते हो लिंटर टाइप हो सकता है। इस टाइप से व्यू है इसका यार, देखिए यहाँ पे सपोर्ट देखिए, इसको लगातार बनाया जा रहा है और वो हालांकि बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट भी। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको फतेहगंज का एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो कि बिल्कुल नया अपडेट था, तो मैंने सोचा कि आपको बताना और उसको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो समझ लीजिए आप प्रभु श्री राम जी से और अयोध्या से जुड़े हो, तो वहाँ का हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को आपको बताना दिखाना मेरा कर्तव्य बनता है, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा और कितना काम का हुआ है उस फ्लाईओवर का और कितना किस लिए बनाया जा रहा है, किस कारण बनाया जा रहा है, कितना बड़ा बनाया जा रहा है, सब कुछ बताएंगे और सब कुछ दिखाएंगे। तो यार वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो वीडियो को पूरा अंत तक यार जरूर देखना। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे साइड साइड में जो है रोड का ये भी चौड़ीकरण किया जाएगा, अभी थोड़ा सा कम है, नॉर्मल रोड है ये, तो चौड़ीकरण इसका भी होगा, ठीक है। और सामने जो है आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा, जो अभी सिर्फ यहीं तक आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, लेकिन और आगे तक बनाया जाएगा, अभी तो इतना है, क्योंकि आपको पता है देखो फ्लाईओवर पहले से ढलान से रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर से नीचे हो जाता है। तो अभी यहाँ पर देखिए इतना काम अभी किया गया है, तो जो है अभी इधर तो आधा किया गया, इसके बाद जो रेलवे लाइन बीच में पड़ती है उसके बाद जो बनाया गया है वो काफ़ी हद तक बना दिया गया, यानी काफ़ी बड़ा बना दिया गया, तो उसको दिखाते हैं। तो यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से जो है इसका चौड़ीकरण और प्लस जो ये हाईवे है इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी भीड़ लगती है, तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ पर देखिए पिलर का काम जो है वो हो चुका है, और पिलर के ऊपर जो बीम पड़ते हैं, मतलब जिसके ऊपर से अब इसके ऊपर जो ढलाई होती है, एक तरह से बोल सकते हो लिंटर टाइप हो सकता है, तो इसका काम अभी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतने थोड़े थोड़े दूर पे जो है पिलर का जो है काम हो चुका है, यहाँ पे स्टैंड कर दिया गया है। तो हम आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाते हैं, ये जो है मेरे हिसाब से जितना अभी तक फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं उनसे ज़्यादा लंबाई बनाया जा रहा है, यानी ज़्यादा दूरी तक इसको कवर किया जा रहा है, ज़्यादा दूरी तक इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं और साइड में देखिए यहाँ पे एक पोल का काम किया जा रहा है, और ये है रेलवे लाइन जिसकी वजह से इसको बनाया जा रहा है इसको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी यार ये भी रोड बहुत ही ज़्यादा चलता है, और जो है जब गाड़ी आती है तो ये है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाती है यहाँ पर, ठीक है, जब बैरिकेडिंग बंद होता है तो। और देखिए रोड की साइड से देखिए कितना ज़्यादा काम कम्प्लीट हो चुका है, इधर जो है वो ऊपर का बेस जो है वो पूरा बन चुका है, नीचे का बेस भी और ऊपर का जो एक छत टाइप बोल सकते हो उसको भी, तो इसका काम बहुत ही तेज़ किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा दूर में बनाया जा रहा है। मैंने आपको देखा, मैं आपको कब से दिखा रहा हूँ आपको कितनी दूर से, और अभी यहाँ तक देखिए अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम आपको थोड़ा सा उतर के जाएंगे और आगे तक दिखाएंगे, अभी ये और भी ज़्यादा लंबा है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा इसको बनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक तरह सा मार्केट है जहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, तो मार्केट में नुकसान तो हो ही रहा है भाई, दुकानें और थोड़ा बहुत जो है इधर हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा क्योंकि फ्लाईओवर है तो ऊपर से जा रहा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा उतर जाते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे, और अभी जो है वो आज बारिश हुई है तो थोड़ा यहाँ सा जो है मौसम गड़बड़ है, आपको पता है अयोध्या में हर जगह पर काम ही चल रहा है, रोड का चौड़ीकरण हर सब कुछ हो रहा है, तो अगर आप बारिश वारिश इस टाइम पे आ रहे हो तो वो तो जाहिर सी बात है आपको कचरा कीचड़ सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है बेस का काम हो चुका है, और ये वाला जो आप रोड देख रहे हो यहाँ से, ये रोड है चौक का रोड है, इस तरफ से आप नाका जा सकते हो सीधा, ठीक। अब चलिए हम थोड़ा सा आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि और आगे तक कहाँ से काम स्टार्ट हुआ है और कितना कम्प्लीट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते हैं, देखिए ये एक मार्केट ही था, नॉर्मल रोड था जिसे बोल सकते हैं, और साइड साइड से मार्केट था, तो है उसको जो है तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा कि फोर लाइन बन रहा है तो ऐसा कुछ होता, तो जो है इतना काम कंप्लीट किया गया। यहाँ पे देखिए बेस तैयार कर दिया जा रहा है, और ऊपर जो है बस वही बीम टाइप जो पड़ता है पड़ने के बाद है उसका जो है रोड का निर्माण कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ घर को भी तोड़ा गया है, जो भाई इसके रास्ते में आएंगे उसको तोड़ाना तो पड़ेगा ही, तो देखिए साइड साइड में कुछ तोड़ा गया है, और यहाँ पे देखिए यार हालत तो अभी काफ़ी ज़्यादा इसका यहाँ पे ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाइक और जो है साइकिल वाले ही आ जा पाते हैं, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसको यहाँ पे अलाउ नहीं है, बैरिकेडिंग करके इसको जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम यार थोड़ा सा निकलते हैं यहाँ बीच से, यहाँ पर देखिए यार बारिश हुई तो पूरा पानी भरा हुआ है,
यहाँ से निकलते हैं हम थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ तक है। तो देखिए कुछ इस टाइप से व्यू है इसका और इस टाइप से इसको बनाया जा रहा है। रोड की यार हालत देखिए यहाँ पे, सिर्फ बाइक और साइकिल और पैदल, बस यही तीन टाइप के लोग यहाँ से आ जा सकते हैं, और बाकी जो है बड़ी गाड़ियाँ का अलाउ नहीं किया गया है, जो कि बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ भाई इस तरह से है व्यू रास्ते का। भाई इसमें चलना यानी चाहटी से, इसमें चलना यानी कीचड़ से रिक्स लेने के बराबर है। तो इस तरह टाइप से है जो है व्यू अभी। तो कुछ देखिए इस टाइप से इसको बनाया जा रहा है। नीचे देखिए लोहे से इसको सपोर्ट देकर और इस तरह से बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मशीनें जो हैं खड़ी हैं, कंटिन्यू काम चल रहा है। जहाँ लेकिन मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में काफ़ी लंबा है। देखिए मैंने कहाँ से वीडियो आपको स्टार्ट किया था, कहाँ से आपको दिखाना स्टार्ट किया था, और अभी जो है कंटिन्यू बनी रहा काफ़ी दूर तक है ये, लेकिन काम जो है काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से है इसका व्यू, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं जो कि लास्ट में कहाँ तक ये ख़त्म हुआ है, कहाँ पे है, सब कुछ दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कुछ इस टाइप से यार व्यू। तो थोड़ा सा देखिए बस यहीं पे जो है लास्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाईवे को नीचे की तरफ यानी जो है उसको ज़मीन में टच कराने के लिए इसको ढलान टाइप इसको यहाँ तक बना दिया गया है। तो बस लगभग यहीं तक इसको बनाया जाएगा, और यहाँ से इसका मतलब हाईवे यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। और मैंने जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर, नहीं सॉरी 500 मीटर क्या 100 मीटर और मान लो आगे ले जाके उसको उतार दिया जाएगा। तो कुछ इतना लंबा बनाया जा रहा है, तो काफ़ी लंबा है अपने हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनाया गया है इसको। देखिए यहीं पे जो है इसको एंड कर दिया गया है, और आगे देखिए यहाँ पे पेड़ वेड़ गिरे हैं जो कि इसी के पर्पज़ से गिरा दिया गया है इसको और आगे बनाने के लिए। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से व्यू है, थोड़ा सा आपको और दिखा देते हैं आगे से चल के यहाँ पे। तो देखिए इस टाइप से व्यू है इसका यार। देखिए यहाँ पे सपोर्ट देके इसको लगातार बनाया जा रहा है, और हालांकि बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट भी कर दिया जाएगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से व्यू है। और अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा और आपको व्यू यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो हाईवे बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है जो है रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, और ये जिस रोड पे बनाया जा रहा है यानी जिस रोड के ऊपर से जाएगा उसमें जो बीच में रोड पड़ रहा है उस रोड से आप नाका जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको इसी टाइप से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों बस इतना ही छोटा सा अपडेट था, तो मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है कि एक और ओवर ब्रिज यानी फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको बताना ही ज़रूरी था। तो बस दोस्तों इसे छोटा सा अपडेट था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी अभी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाने वाला हूँ बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।